पटना ब्लॉग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जय भास्कर और इस वक्त मैं हूं पटना के गांधी घाट की ओर। देखिए मेरे पीछे माँ गंगा बह रही हैं और ये जो है माँ काली का मंदिर है और इसके ठीक सामने भोलेनाथ विराजे हुए हैं और हम लोग यहाँ एक खास मकसद से आए हैं और वो मकसद क्या है आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। हर हर महादेव, शिव गुरु। तो देखिए गांधी घाट हम लोग पहुंच चुके हैं और सिर्फ मैं ही नहीं पहुंचा हूं बल्कि मेरे साथ साथ देखिए वो खुशी फिर आ गई। हेलो खुशी। हेलो जया। देखिए ये है वो लड़की, ये है जिसके कारण आज हम लोग यहाँ आए हैं। हेलो करो। और ये है स्नेहा दीदी, नेहा दीदी। और इधर है सबसे नटखट सबसे बदमाश सोनू भैया। अरे और देखिए पापा भी बिल्कुल तैयार होकर बैठे हुए हैं, गंगा किनारे धूप का मजा ले रहे हैं। मम्मी भी पूरे व्यवस्था को देख रही हैं और होने वाला क्या है। लेकिन माँ गंगा की पूजा हो गई है और अब आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। और आपको बता दें कि ये जो छोटी सी बच्ची है ना, नन्ही सी बच्ची जिसके सिर पर अभी आप बाल देख रहे हैं, ये बाल नहीं अभी रहने वाले हैं। कुछ देर के बाद नहीं इसका सर मुंडन किया जाएगा। देखो इधर, तो देखिए जया का ये फोटो ले रहे हैं जीजू, क्योंकि अभी इसका बाल है और कुछ देर के बाद इसका बिना बाल वाला भी फोटो आएगा। अभी जया को पता नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है। ये अभी जो बहुत ही क्यूट लग रही है, सुंदर लग रही है अपने बालों की वजह से, वो ऐसे भी क्यूट लगती है। अरे वाह, देखिए बहना का प्यार है ये। सच में बहुत बहादुर बच्ची है, देख लो जया को, देख लो जरा भी रो नहीं रही है। वरना देवघर में जब इस बच्चे का हुआ था, ये नटखट शैतान सोनू का कितना रो रो कर परेशान कर दिया था। और देख लो जया को, बिल्कुल भी नहीं रो रही है। अच्छी लड़की है, बिल्कुल चुप है। सोनू देख लो क्या हो रहा है, सोनू क्या हो रहा है जया के साथ।
जया टकला हो रही है, मत बोलो अब, मेरी बेटी जया सुंदर है, बहुत सुंदर हो रही है अभी जया, बहुत सुंदर, इतनी अच्छी लग रही है, कितना बच्चा रोने लगता है, जया कितना अच्छा सिंगम करवा रही है, जया अच्छी बच्ची है, अच्छी बच्ची है, अच्छी बच्ची है जया। तो यही खास ओकेजन था जिसके लिए हम लोग गांधी घाट आए हुए हैं। देख सकते हैं जया का मुंडन किया जा रहा है, मुंडन संस्कार किया जा रहा है। अच्छा पानी हाँ इसे जितना, और जो बुआ हैं देखिए, दोनों बुआ जो है अपने अपने गोद में जया का बाल जो है वो ली हुई है अपने अपने आंचल में। इसका क्या करोगी आप लोग? अच्छा मतलब माँ गंगा को समर्पित करोगी, दिया जाता है। लहरें देखिए, गंगा जी की लहरें आ रही हैं। ये देखिए जया जो है मुंडन हो चुका है। जया ठंडा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। अब इसमें हल्दी का लेप लगाया जाएगा इसके सिर पर, तो लगा दो ठीक से चारों साइड एकदम, जया का मेकअप कर दो, सुंदर सुंदर हो जाएगा जया का। चंदन भी लगाया जाता है ना? चंदन उसमें हम दिया। अच्छा चंदन हल्दी। अब देखिए जया का ये नया अवतार, जया इधर देखो, हटो हटो हटो, जया कितना सुंदर है भाई, जया जया हंस दो हंस दो हंस दो, अरे मुस्की मार दो, हट जाओ, जया आ रही है। आँख बंद कर लो, बस 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 हो गया, बस हो गया। ठंड का मौसम हो और गंगा का किनारा, तो फिर मस्ती तो अपने आप शुरू हो जाती है। और देखिए यही हाल इन बच्चों का भी है, ठंड की परवाह नहीं करते हुए कितने मस्ती खोर हो चुके हैं ये चारों। क्या कैसा लग रहा है छोटू? बहुत मजा आ रहा है। पैर तुम कुछ बोल रहे थे कि पैर क्या हो गया? पैर सुन हो गया, नीचे बहुत ज्यादा कर रहा है। तो फाइनली देखिए जया जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, नए नए कपड़े में, और माला भी पहन ली है, और इधर सोनू भी माला पहन चुका है, और इसके बाद ये लॉलीपॉप की पार्टी चल रही है दोनों बच्चों में। गंगा घाट पर ये अद्भुत नजारा वैसेज फैमिली का, जया का मुंडन कार्य भी हो गया, और अब बड़ों का आशीर्वाद लिया जा रहा है।